जो काम संबंधित विभाग के अधिकारियों को करना चाहिए था वो काम जिले के एक जज बखूबी कर रहे हैं। खोए हुए बच्चों को उनके परिजनों तक पहुंचाना जज साहब का जुनून बना हुआ है। अब से पहले दो बच्चों को वो उनके माँ बाप तक पहुंचा चुके हैं। ताजा मामला एक मंदबुद्धि महिला का सामने आया है। रेनू नाम की महिला गांव पुढ़ार जिला अयोध्या से एक साल पहले गायब हुई थी। करीब 6 महीने पहले फटे हुए कपड़ों और बुरे हालात में पानीपत पहुंची। महिला कैसे पहुंची, उसे कौन छोड़ गया, इसके बारे में अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया। किसी तरह लोगों की मदद से लड़की सोदापुर बाल अनाथालय आश्रम में पहुंची। कुछ दिनों बाद महिला को ऊझा रोड स्थित सृष्टि आश्रम में पहुंचाया गया। जिला विकास सेवा प्राधिकरण के सचिव और जज को जब इस बारे में पता लगा तो पहुंच गए आश्रम में, और जो काम चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के अधिकारी 6 महीने में नहीं कर पाए वो CGM ने मात्र 1 घंटे में कर दिखाया। 1 घंटे में महिला के गांव और उसके परिजनों को ढूंढ निकाला। आज महिला के परिजन पानीपत पहुंचे और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर दंग रह गए। पिता जगदीश के मुंह से एक ही बात निकल रही है, धन्यवाद जज साहब। आइए सुनते हैं जज साहब की जुबानी ये सारी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। आज मेरे साथ है CGM मोहित अग्रवाल। मोहित अग्रवाल जी, अपने कामों के प्रति चर्चा में रहते हैं, आज एक ऐसा और कार्य किया है जो वाकई चर्चा का विषय बना हुआ है। जो काम विभाग ने नहीं किया वो CGM ने कर दिया है। सर, एक बच्ची को माँ बाप को मिलवाया है, कैसे आपको पता लगा और कैसे इस तक आप पहुँचे? कि मैं कुछ दिन पहले बाल अनाथालय सोंदापुर में गया था। वहाँ के संचालक ने बताया था कि वहाँ से कुछ बच्चे शिफ्ट हो गए हैं और वो चले गए हैं ऊझा रोड पे एक सृष्टि नामक केंद्र। तो उन्होंने कहा कि उनमें जो बच्चे शिफ्ट हुए उनमें एक रेनू नाम की लड़की भी है, क्योंकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद से पहले भी दो बच्चे, एक पंजाब लुधियाना में एक UP मेरठ में मिलवाए गए थे उनके परिजनों से। तो उन्होंने कहा कि वहाँ जाकर उनकी अगर काउंसलिंग की जाए इसकी रेनू की, जो कि थोड़ी मेंटली अपसेट लगती है, तो शायद उनके अगर परिजनों का पता लग जाए तो बड़ा ही नेक काम होगा। तो उसके अभी 2-3 दिन पहले मैं यहाँ पर ऊझा रोड पे गया था इस केंद्र में, तो ये रेनू से बात हुई थी। पहले तो पता लगा कि इसने यही बताया था कि अयोध्या साइड की कहीं की रहने वाली है, और इसको ये भी नहीं पता था कि ये पानीपत कैसे पहुँची, जो कि 6 महीने करीब से यहाँ पे ये रह रही है। तो इससे धीरे धीरे इसको बैठाकर आराम से पारिवारिक सदस्य बनकर जैसे इसको समझाया, तो इससे थोड़ा थोड़ा पूछा कि इसके पिताजी का क्या नाम है, इसके चाचा जी का क्या नाम है, कौन से गांव की रहने वाली है। तो इसने बताया जैसे कि बसुआपार गांव है कोई UP में, वहाँ की रहने वाली है, अयोध्या में पड़ता है। लेकिन टेक्नोलॉजी यूज़ करके इंटरनेट वगैरह सर्च करके हमने निकाला कि वो एक बट्टूपुर एक ग्राम पंचायत लगती है, उसमें ये गाँव पड़ता है, और ये तहसील पड़ती है हरैया, और इसका जिला है बस्ती। तो ये अयोध्या में कोई लेना देना नहीं था इस गांव का, बस्ती का था। तो बस्ती के वहाँ पर और इससे पूछा कि अपने इसके गांव में जो इसका घर है उसके पास क्या है। इसने बताया कि कृष्ण जी का मंदिर है, जहाँ बस रुकती थी उस जगह का नाम बताया, और वहाँ नज़दीक एक हॉस्पिटल भी है। तो इसके एक पारिवारिक सदस्य जो कज़न ब्रदर हैं वो कोई इलेक्शन भी जीते थे, जो बट्टूपुर ग्राम पंचायत में कहीं इलेक्शन हुए होंगे वो जीते थे। तो थोड़ी थोड़ी इसने इन्फॉर्मेशन ऐसी बताई और थोड़ी हमने कलेक्ट करी, तो सारी इन्फॉर्मेशन मिला के मैंने वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के नंबर निकाले, वहाँ पर BDP ऑफिस में बात करी, असर्टेन किया गया कि वाकई ये गांव वहाँ पर है भी है कि नहीं। तो ये गांव मिला वहाँ पर, वहाँ पर पुलिस कंसर्न, पुलिस से DSP से बात हुई और SHO कंसर्न से हुई, जिन्होंने भी पुलिस ऑफिशियल्स को हमारी रिक्वेस्ट पे वहाँ गांव में भेजा। और करीब 1.5 घंटे के अंदर, ये प्रक्रिया मैंने 2 बजे शुरू करी थी और 3:30-4 बजे तक मैंने इसके पेरेंट्स को ढूंढ लिया था वहाँ। इसके अनुसार इसकी मदर की तो डेथ हो चुकी थी और इसके 3 भाई हैं वहाँ और एक चाचा जी हैं, इसके अपने फादर हैं जगदीश नाम है उनका। तो वहाँ पर वो मिल गए और ये व्हाट्सएप वीडियो कॉल से इसकी बात भी वहाँ करवा दी। तो ये सारा जो आपने ढूंढा इंटरनेट के जरिए, सारा आपने नक्शा जो है निकाला, उसके बाद अधिकारियों से बातचीत की? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसे तो पता लगाना बिल्कुल ही मुश्किल है कि बसुआपार कहाँ है, तो ये नेट से ही सर्च करना था कि अयोध्या में है भी है ये कि नहीं। तो गाँव की सारी लिस्ट भी निकल आई, तो इंडिविजुअली गाँव जब निकला ये बसुआपार, उसको क्लिक किया तो वहाँ पर सारी डिटेल आ गई कि उस गाँव में कितने परिवार रहते हैं, कितने वहाँ पर पॉपुलेशन है, कितने मेल्स हैं फीमेल्स हैं, और साइड में क्या क्या गाँव हैं। जैसे इसको गाँव साइड वाले नहीं पता था, तो नेट से निकालने के बाद हमें पता लगा कि ग्राम पंचायत बट्टूपुर है। तो इससे पूछा गया कि बट्टूपुर सुना है कभी, तो इसने इमिडिएटली कह दिया कि हाँ, मेरा भाई वहाँ से कोई इलेक्शन जीता था बट्टूपुर से। तो उससे और एक लिंक बन गया, ऐसी लिंक जुड़ते रहे, कड़ियाँ जुड़ती रही, पूरी चेन बन गई, अल्टीमेटली इसके फादर को हम ढूंढने में कामयाब हो गए।
तो आज इसके माँ बाप आए हैं, खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं। अगले दिन हमने इनसे पूछा पिताजी को कि आप चल पड़े कि नहीं, आपकी बच्ची यहाँ आपकी वेट कर रही है, तो उन्होंने कहा हम गरीब लोग हैं, आने जाने में 5-6 हज़ार रुपया लगेगा, ट्रेन का किराया है, खर्चा है, तो वो इंतज़ाम कर रहे हैं, तो जैसे ही इंतज़ाम होगा हम इमीडिएटली चल पड़ेंगे। तो अगले दिन ही ये 4-5 बजे इनको दोबारा फ़ोन किया तो कह रहे रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं, चल रहे हैं। तो परसों यानी 3 तारीख शाम को ये पानीपत में पहुँच गए, बच्ची से मिलवाया गया, आज भी मिल रहे हैं, तो बहुत ही खुश हैं, बल्कि इनके खुशी के आंसू नहीं रुक रहे फादर के, और बच्ची भी बहुत खुश है अपने पेरेंट्स से मिलके। आपके इनके फादर से गार्जियन से बातचीत हुई, इन्होंने क्या बताया कब से गायब थे और क्या बताया? इनके फादर के अनुसार ये बच्ची जो है अपनी पारिवारिक कोई झगड़ा अपने जैसे फैमिली में होते रहते हैं, इसके हस्बैंड से इसकी शादी हुई हुई है, बताया जा रहा है कि इसके 4 साल का शादी से बच्चा भी है, तो उसके साथ नहीं बनती थी अपने हस्बैंड के साथ, उससे ये दुखी रहती थी, तो मेंटली थोड़ी सी अनस्टेबल हो गई थी, इसलिए साल से इनको भी नहीं पता कि ये कैसे घर से चली गई और कैसे यहाँ पानीपत पहुँच गई। उसको बेटी को भी पूछ रहे हैं, उसको उसने भी ऐसा नहीं बताया कि उसको भी याद नहीं है कि वो घर से कैसे अपना यहाँ पर पहुँची पानीपत। तो अभी तुम्हारी बच्ची मिल गई है, जज साहब की मदद से मिल गई है, क्या कहना चाहोगे तुम? हमें बहुत खुशी है सर, हाँ जज साहब के वतफत मिल गया सुल्ला से, तो हमें बहुत खुशी है, धन्यवाद है जज साहब के। तो ये बच्ची कैसे गायब हुई थी, कुछ पता लगा था, और कब इसके शादी वगैरह हुई थी? कौन पता हुआ, जब दिमाग इसका डिस्टर्ब रहा तो हरदम ऐसे हर बार भाग है, हम ढूंढ लाई भागा करे, ढूंढते पता नहीं कब से वहाँ से साल भर से या गायब है। तो आपने ढूंढने की कोशिश की? बहुत किए हैं, ढूंढे यार बार बहुत ढूंढे, नहीं मिली, और ढूंढते अभी तक रह गए। तो जज साहब का फोन गया था आपके पास, किसका फोन गया था आपके पास? जज साहब का, जज साहब का फोन गया था। तो अभी क्या कहना चाहेंगे आप, मतलब जज साहब ने इतना बड़ा काम किया, बच्ची मिलवा दी, तो इसके जो घर वाला इसने छोड़ दिया है उसके पास भी तुम जाओगे, वहाँ शिकायत करोगे कुछ? अब काम जब वक़्त देखा तो ना लायक बसर तो का वक़्त कही हम। तो बिल्कुल जैसा कि देख रहे हैं आप, पिताजी बड़े खुश नजर आ रहे हो, जज साहब के प्रयासों से ऐसा काम हुआ है। बेटा ये बताओ तुम्हारी शादी हो गई? तो यहाँ कैसे पहुँचे? नहीं मालूम साहब। नहीं पता? तो ये जज साहब आपके पास आए थे, आपने बताया इनको कैसे कैसे कहाँ रहते हो? तो अभी खुश हो आप अपने पापा से मिलके? बच्ची भी अभी भी सहमी हुई है और डर रही है, बताने के हालात में नहीं है, लेकिन जैसा कि हम बता रहे हैं कि जज साहब के प्रयासों से ऐसा काम हुआ है, बड़ी एक अच्छी पहल है, और ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी कुछ ऐसा काम तो जज साहब की पहल से उनके जो बच्चे हैं उनको घर मिल जाए। वैसे पानीपत के लिए कैमरामैन प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।